ये देखिए, यहाँ से हमारा दो पाइप इन हुआ। एक जो ऊपर वाला पाइप है वो मोटर का यानी कि फ्रेश वाटर का, और एक नीचे वाला टैंक का आउटलेट है। यहाँ से दोनों पाइप जा रहे हैं। क्लाइंट का ऑर्डर था कि बेंड ज़्यादा नहीं यूज़ करे, इसलिए हमने बिम को झाड़ के पूरा पाइप क्रॉस किया है। यहाँ पे हमने 290 डिग्री का बेंड यूज़ किया। यहाँ भी हमने 290 डिग्री का बेंड यूज़ किया दोनों पाइप के लिए। और ये आगे से जाके बाथरूम में इन हुआ है। ऊपर वाला जो है वो मोटर का है, तो हमने उसमें एक आधा का रिड्यूसर यूज़ किया, क्योंकि अंदर डाइवर्टर लगा है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और नीचे वाला जो है 1 इंची हमने जाने दिया। चलिए बाथरूम में चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से मोटर वाला इन हुआ, ऊपर वाला जो है 1/2 इंची और नीचे वाला 1 इंची। 1 इंची पाइप जो हमारा यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैंने एक बाई एक का टी यूज़ करके 1 पॉइंट नीचे आया डाइवर्टर के लिए, और एक लेफ्ट साइड में गया जहाँ गीजर का पॉइंट बनेगा। मैंने वहाँ पे एक आधा का रिड्यूसर यूज़ किया। उसके बाद टी मार के आगे जो ऊपर एल्बो लग के गया, वो उस तरफ वॉशिंग मशीन का पॉइंट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ये देखिए, दिखाई देता हूँ, ये जो एल्बो लग के गया यहाँ से आउट होके, वहाँ फिर एक कोने पे एक एल्बो लगा, यहाँ पे डाउन होके नीचे वॉशिंग मशीन का पॉइंट है बैल्कनी में। क्लाइंट का कहना था कि मुझे वॉशिंग मशीन का पॉइंट यहीं पे चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे दिया है। अब आइए अंदर आते हैं। यहाँ पे टी से जो नीचे आया वो डाइवर्टर में आया सीधा। यहाँ पे मैंने एक आधा का रिड्यूसर फिर से यूज़ किया, फिर एक टी 1/2 इंची और एक एल्बो 90 डिग्री। उसके बाद डायरेक्ट एक ब्रास MTA मार के, ये सिंगल लीवर 3 इनलेट डाइवर्टर है जिसका टैंक का कनेक्टर ऊपर होता है, तो ये सीधे ऊपर से कनेक्ट हो गया और पीछे से शावर चला गया जो CPVC से किया है मैंने। और ये जो सारा पाइप मैंने दिखाया वो UPVC से है। CPVC से शावर इसीलिए क्योंकि इसमें गर्म पानी भी आएगा गीजर का। अब ये देखिए, ये जो टैंक के बगल से उतरा है वो गीजर का पाइप है, गीजर का आउटलेट जो मैंने यहाँ टी यूज़ किया, और उसके बाद इधर आके वो डाइवर्टर में सीधे ब्रास MTA से लग के कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये जो टैंक से जो डाइवर्टर में गया टी पॉइंट्स के बाद नीचे आके यहाँ पे मैंने ओवरबेंड यूज़ किया, क्योंकि यहाँ दो पाइप क्रॉस, एक पाइप क्रॉसिंग हो रहा था, इसीलिए पाइप पे पाइप ना चढ़े। फिर यहाँ 90 डिग्री का एल्बो देके ये आगे आ गया। यहाँ पे हिंदी सीट का पॉइंट बना, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, पहले डाइवर्टर का दिखाता हूँ। यहाँ से जो मोटर वाला इन हुआ है बाथरूम में, यहाँ मैंने 90 डिग्री का एल्बो यूज़ किया 1/2 इंची में। फिर यहाँ आगे एक टी यूज़ किया, उसके बाद एक चला गया किचन में जो आगे दिखाऊंगा आपको, और एक आ गया डाइवर्टर में। ये देखिए 1/2 इंची ब्रास MTA मार के मैंने डाइवर्टर में कनेक्ट किया। कभी भी गीजर लेफ्ट साइड होता है और कोल्ड वाटर राइट साइड। इसमें दो कोल्ड वाटर है, एक ऊपर से और एक राइट साइड से। तो देखिए, ऊपर वाला जो वो टैंक का है, और राइट साइड वाला फ्रेश वाटर है, और लेफ्ट साइड वाला गीजर है, और नीचे स्पाउट। ये देखिए, नीचे स्पाउट है। तो शावर का जो मैंने हाइट दिया है वो 6.5 फुट है, आप 6 से 7 में दे सकते हैं। और डाइवर्टर का हाइट 42 इंच देना रहता है, लेकिन क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है उसको कितना में चाहिए, तो हमने 42 इंच पे दिया है। और स्पाउट मैक्सिमम 10 इंच नीचे रहता है, लेकिन यहाँ क्लाइंट ने बोला कि इतना नीचे नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने तकरीबन 6-7 इंच नीचे दिया है। तो आइए अब यहाँ से गीजर का जो आउटलेट है, यहाँ टी लग के एक डाइवर्टर में गया, उसके बाद नीचे से एक जो टैंक वाला आउटलेट, टैंक का जो पाइप था जो डाइवर्टर में जाने के बाद नीचे ओवरबेंड लगा के जो आया है, उसके बाद ये गीजर का गया किचन में सीधा। ये यहाँ से किचन में इन कर गया, एक नीचे एल्बो और एक यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक टी लग के गीजर वाले में बाहर एक वॉश बेसिन का पॉइंट है जो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो टैंक वाला आ रहा है इसमें भी एक टी लगा जो बाहर वॉश बेसिन का पॉइंट है। और यहाँ पे
हिंदी सीट ओडिशा पैन लगेगा उसका पॉइंट दिया गया। पीछे ये सिस्टर्न का है और ये टैप का है। तो ये देखिए यहां से ये दोनों पाइप इन हो गया और एक ये मोटर वाला भी किचन में जा रहा है फ्रेश वाटर के लिए, क्योंकि किचन में ज्यादातर जरूरत होती है फ्रेश वाटर की खाना बनाने के लिए। तो ये मोटर वाला भी यहां से इन कर गया। चलिए आपको किचन में ले चलता हूँ। ये टैंक और गीजर का आउटलेट जो बाथरूम से आउट होके यहाँ पे बेसिन के लिए आया है दोनों। नॉर्मली ये 10 इंच पे रहता पॉइंट, लेकिन क्लाइंट के हिसाब से दिया जाता है, यहाँ पे हमने 6 इंच पे दिया है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर बोलते हैं पेडेस्टल के अंदर छुप जाना चाहिए, इसी वजह से। ये किचन है, ये हमारा मोटर का आउटलेट मतलब मोटर का फ्रेश वाटर का पॉइंट ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद नीचे टैंक का है, टैंक वाले में देखो यहाँ आर ओ का ही पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पे टी मार के वहां से इन हुआ, फिर टी लगा, टी से एक एल्बो मार के डबल एल्बो यहाँ पे यूज करके एक एल्बो एक फीमेल एल्बो मार के पॉइंट बनाया गया। और यहाँ पे ऊपर टी के ऊपरी वाले हिस्से में आर ओ का पॉइंट दिया गया और ये गीजर का गर्म पानी का पॉइंट, तीनों पॉइंट 6-6 इंच की दूरी पे, जिसमें सिंक मिक्सर आसानी से इंस्टॉल हो चुके। तो फाइनली यही हमारा बाथरूम था, अभी वेस्ट फिटिंग बाकी है। वेस्ट फिटिंग होने के बाद फिर से मिलते हैं।